मुझे तो तेरी लत लग गई जमाना कहे लत ये गलत लग गई। देखो लत चाहे किसी भी चीज की हो अच्छी नहीं होती। किसी को चाय पीने की एडिक्शन होती है तो वहीं किसी को सिगरेट पीने की एडिक्शन होती है। तो दूसरी तरफ आपको कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिन्हें जरूरत से ज्यादा खाना खाने की एडिक्शन होती है। जब देखो उनके सामने कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है, उनका मुंह चल ही रहा होता है। ज्यादा सिगरेट पीने से आपके फेफड़ों को खतरा हो सकता है, उनकी दुर्गति हो सकती है। वहीं ज्यादा खाना खाने से आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं, आपका शरीर 50 तरह की बीमारियों का घर हो सकता है। सेम इसी तरह से सेक्स, जो कि हमारे शरीर की जरूरत है, अगर इसे जरूरत से ज्यादा किया जाए तो ये फायदा देने की बजाय आपको नुकसान देना शुरू कर देती है। अब ये सेक्स एडिक्शन है क्या? जिन लोगों को सेक्स करने की तलब 24 घंटे रहती है, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ सेक्स को लेके विचार चलता ही रहता है। किसी लड़की को या किसी औरत को बीच मार्केट में देखा, उसका पल्ला सीने पर से हटा के मूड बन गया अगले का। जिम में एक्सरसाइज करते हुए किसी लड़की को देखा के खड़ा हो गया अगले का। बस में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर मेट्रो में किसी लड़की या किसी महिला की बॉडी से हल्का सा टच हुए के साथ ही चिपक लिए उसके। कोई सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हो या पढ़ रहे हो तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाए कि बस शुरू हिलाना। तो ये सारी चीजें, ये क्या है? ये सेक्स एडिक्शन ही है कि आपको 24 घंटे प्रेरित करती है कि कुछ कर कुछ कर। ये देखो बिल्कुल वैसे ही चीज है कि आपने भरपेट खाना खाया हुआ है, मतलब जी भरा हुआ है आपका, लेकिन कुछ ऐसा आपको दिखा जो कि बड़ा लजीज है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो फिर से आपको क्रेविंग हो गई, कंट्रोल नहीं हुआ और एक पीस खा ले यार उठा के। ये जो सेक्स एडिक्शन होती है, ये ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब करती है, उस पर भी बुरा असर डालती है। आपसे मिलने जुलने वाले लोग, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव्स हो, या आपके आस पड़ोस, कोई भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ को भी प्रभावित करती है। अब कुछ सेक्स एडिक्टेड लोग पोर्नोग्राफी मैस्टरबेट तक ही सीमित रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फोन सेक्स और कंप्यूटर पर सेक्स सेवाओं का लाभ उठाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की लत हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने इस एडिक्शन के अधीन होकर गैर कानूनी कामों में भी शामिल हो जाते हैं, जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप। अब है कि कैसे पहचाने कि ये सेक्स एडिक्शन है, इसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखो, अंदरूनी तौर पे बीमारी चाहे कोई भी हो, फोड़े फुंसी शरीर के बाहर निकलते ही हैं, जिससे आपको पता लग ही जाता है कि हाँ ये बीमारी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसी तरह से जिन लोगों को सेक्स एडिक्शन होती है उन्हें भी लकवा मारा ही होता है, तो बड़ी इजीली आप पहचान सकते हैं। नंबर 1 कि जिन लोगों को ये लत होती है उन्हें बार बार पोर्न देखना अच्छा लगता है, उनकी आदत में शुमार होता है। जहां अकेला टाइम मिला कि फोन को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, उनका फोन चेक करके अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पोर्न साइट विजिट करते हैं वो। सेम इसी तरह से रात को अगर वो सो रहे हैं तो हो सकता है वो नींद के बहाने में कंबल ओढ़ के और पोर्न ही देख रहे हों। कई बार उनके वर्क प्लेस पे अगर वो खाली बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनके फोन में आपको नंगी वीडियो चलती हुई नजर आएंगी। ऐसे लोग देखो अकेलेपन और डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं, क्योंकि उनका सारा वक्त अकेले कोने में बैठकर सेक्स के बारे में सोचकर ही निकलता है। सेक्स करते वक्त तो उन्हें काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, कि निकल भी पाऊंगा इन चीजों से कभी या नहीं। अब जिन लोगों को ये सेक्स एडिक्शन होती है उन्हें इस चीज का भी डर हमेशा रहता है कि यार मेरा जो पार्टनर है ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए मेरी इस लत के वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए क्योंकि मैं इसे जरूरत से ज्यादा ही परेशान रखता हूँ। अब इस सेक्स एडिक्शन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? तो नंबर 1 अनवांटेड प्रेगनेंसी। जरूरत से ज्यादा अगर आप सेक्स में लीन रहोगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहेंगे, उसे आप ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे क्योंकि कंडोम और पिल्स हमेशा साथ नहीं देती। अब दूसरा प्रभाव कि अगर किसी महापुरुष को ये सेक्स की एडिक्शन है तो उसकी जो रिलेशनशिप होती है अपने पार्टनर के साथ उसमें खटास पैदा हो जाती है, वो ज्यादा दिन चल नहीं पाती क्योंकि आपका तो हमेशा खड़ा ही रहता है और वो अगली 10 तरह के कामों में बिजी है, तो डिस्टरबेंस तो होगी ही ना, आपके लिए 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं हो सकती। सेम इसी तरह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब ही रहती है क्योंकि वर्क प्लेस पे स्त्री और पुरुष दोनों का साथ काम करने का चलन है, तो
तो ऐसे में किसी महिला को देखकर आपका उत्तेजित हो जाना, आपके ट्राउजर में से अनचाहा आपत्तिजनक दृश्य का दिखना आपकी व्यक्तिगत छवि को खराब कर सकता है। ये एक तरह का अनकंफर्ट माहौल तैयार करता है जिसमें कोई साथ काम करने वाला सहज महसूस नहीं करता। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों को ये सेक्स की एडिक्शन रहती है उनकी स्पर्म क्वालिटी डे बाय डे डिक्रीज होने लग जाती है, उनके बाप बनने की संभावनाएं भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, वो क्वालिटी नहीं रहती उनके स्पर्म में, दही जैसा स्पर्म एकदम से पानी जैसा हो जाता है। मतलब एक बच्चे को जन्म देने की क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी पे असर पड़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करती है ये चीजें। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि हर वो व्यक्ति जो कि पोर्न देख रहा है वो एडिक्टेड नहीं, हर वो व्यक्ति जो मैस्टरबेट करता है वो भी एडिक्टेड नहीं, और हर वो व्यक्ति जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ा हुआ है, मतलब बीवी घर में है लेकिन उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो वो भी एडिक्टेड नहीं। अगर आप इन सब चीजों में, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो लेकिन इससे आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही सुरक्षित हैं, डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, आप अपने सारे काम बढ़िया तरीके से कर रहे हो, ये जो आप पोर्न देखते हो या मैस्टरबेट करते हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है, इससे आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आप बैलेंस बनाकर चल रहे हो, तो आप सेक्स एडिक्टेड नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखिए। एडिक्शन मतलब आपके ऊपर किसी चीज का पूरी तरह से हावी हो जाना, आप उसके पूरे कंट्रोल में आ गए हो, खुद को पावरलेस महसूस करते हो। यार पोर्न नहीं देखी, नींद नहीं आ रही साली, मैस्टरबेट जब तक नहीं कर लेता चैन नहीं पड़ता मुझे, दिस इज एडिक्शन। इससे आपकी लाइफ इफेक्ट होती है, इन चीजों से बाहर निकलो। अगर आप ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो ये बहुत ही डेंजरस है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, इस दलदल से बाहर निकलो। अब रह गई बात कि इससे बाहर कैसे निकले, तो मेरी बहुत सारी वीडियो हैं ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं कि सेक्स एडिक्शन से कैसे बाहर निकले, देखिए जाके।